नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों में मंगल को सेनापति का दर्जा दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि मंगल अगर आप पर मेहरबान हो तो जीवन में हर ओर मंगल ही मंगल होता है, लेकिन कमजोर या अशुभ मंगल जिंदगी में अमंगल का विष घोल देता है। बता दें, कुंडली में कमजोर मंगल की दशा से अक्सर कर्ज और मुकदमेबाजी की समस्या रहती है। यही नहीं, खराब मंगल कई बार जेल के दर्शन भी करवा देता है। इसीलिए दोस्तों, अशुभ मंगल को शुभ और मंगलकारी बनाने के लिए आज हम इस वीडियो में कुछ उपाय बताने जा रहे हैं, जिससे आप मंगल को मंगलकारी बना सकते हैं और अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करें तांबे की। तांबा मंगल की प्रमुख धातु है। ये धातु औषधीय मानी जाती है और तमाम रोगों के निवारण में इसका प्रयोग होता है। इस धातु को इतना पवित्र मानते हैं कि इसको धारण करने के बाद मांस का सेवन नहीं किया जाता। बता दें, मंगल की कमजोर स्थिति अगर आप में आत्मविश्वास की कमी करवा रही है तो तांबे का एक कड़ा धारण करना आपको लाभ दे सकता है। रक्त संबंधी समस्याओं के मामले में तांबे का एक छल्ला अनामिका अंगुली में धारण करें। इसके अलावा आपको बता दें, तांबे के लोटे में कभी भी शिवजी को दूध अर्पित न करें। दूसरे नंबर पर बात करते हैं लाल रंग की। लाल रंग मंगल का प्रमुख रंग है। मंगल को शक्तिशाली करने के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर मंगल नकारात्मक हो, लाल रंग खतरनाक भी हो सकता है। अगर ठंडक या सर्दी जुकाम की समस्या हो तो लाल रंग का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। साथ ही अगर जोड़ों के दर्द की समस्या हो तो पैरों और हाथों के जोड़ों पर लाल धागा बांधने से राहत मिलती है। आगे बात करते हैं मिट्टी की। मंगल को भूमि पुत्र भी कहा जाता है। भूमि और भूमि से निकलने वाली सारी चीजें मंगल के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। मिट्टी भी मंगल से ही संबंधित चीज है। मिट्टी के बने हुए पात्र से जल पीने से क्रोध की मात्रा में कमी आती है। साथ ही घर में मिट्टी के गमलों में पौधे लगाने से घर में सुख शांति आती है। घर में थोड़ी सी जगह कच्ची छोड़ दी जाए तो बीमारियों से रक्षा होती है। तो वहीं गुड़ को मंगल से संबंधित माना जाता है। इसके नियमित सेवन से शक्ति मिलती है और रक्त बढ़ता है। हर मंगलवार को गुड़ का दान करने से मंगल मजबूत होता है। बता दें, जौ को शुद्ध रूप से मंगल का अनाज माना जाता है। ये शरीर को शुद्ध और विष मुक्त करता है। अगर आपको मुकदमे परेशान कर रहे हो तो जौ को घर में भारी चीज से दबा देना चाहिए। तो दोस्तों, मंगल के ये उपाय आपके जीवन में आ रही छोटी छोटी समस्याओं को दूर कर देगी। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।